वेलकम टू फसुमा किचन। आज हम लोग बॉम्बे का स्पेशल रसा बनाएंगे। ये साउथ इंडिया में रसम बनता है या बॉम्बे में रसम के अंदर अंडा फोड़ के डालते हैं, इसको अंडा रसम बोलते हैं। ये आप दोस्तों, हमारे फसुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं अंडा फोड़ के अंडा रसा किस तरीके से बनाया जाता है। ये बहुत ही डिफरेंट सब्जी है, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं अंडे, 4 अंडे हमने लिए हैं, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक कांदा बारीक कटा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, खोबरा किस, एक बड़ा कांदा हमने लिया है जिसे कि हमने मोटा मोटा कट कर लिया है मसाले के लिए, मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कस्तूरी मेथी, 2 तेज़पत्ता, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने गैस ऑन कर लिया है, गैस पर हम पैन रखेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कांदा काटेंगे जो कि हमने बड़ा बड़ा कट कर लिया था मसाले के लिए। अच्छे से तवे पर इसे फैला देंगे पैन पर। अब इसमें हम डालेंगे तेल थोड़ा सा और इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए कांदे को हमने अच्छे से ब्राउन कर लिया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हमने किया है इसे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे पैन में खोबरा किस, इसे भी अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए खोबरा किस भी हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस ऑफ कर देना है हमें। इसे भी हमने प्लेट में निकाल लिया है। कांदा और खोबरा किस दोनों को अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा खोबरा किस और कांदा ठंडा हो चुका है, हमने मिक्सर का बर्तन ले लिया है। तो हम खोबरा किस को पहले डाल देंगे मिक्सर के बर्तन में और कांदे को भी उसके साथ डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, अब इसे हम पीस लेंगे बारीक। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हमें इसे सूखा ही पीसना है। तो देखिए हमने कांदा और खोबरा किस का मसाला अच्छे से बारीक पीस लिया है, बिना पानी हमने पीसा है इसे। और हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला था, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है सब्जी में। तो अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और पैन रख देंगे गैस पर, जिसमें हमने मसाला भुना था कांदा और खोबरा किस, वही पैन हम यूज़ करेंगे। तो अब हम इस पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता। तेजपत्ता के बाद इसमें डालते हैं कटा हुआ कांदा। अच्छे से कांदे को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से कांदे के साथ मिक्स कर लेंगे तेल में। कांदा और अदरक लहसुन हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ एक टमाटर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे कांदा और खोबरा किस जो कि हमने पीस लिया था। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और अच्छा टेस्ट हो जाता है ऐसे मसाला डालने पर सब्जी का। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे काला मसाला भी कहते हैं। तो अच्छे से इसे हम भून लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को 2 मिनट भून लेंगे। मसाला हमने अच्छे से भून लिया है 2 मिनट तक। अब इसमें हम पानी डालेंगे। जितना आपको रसा बनाना है उस हिसाब से आप पानी डालिए, पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। अच्छे से हम पानी को मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब हमने रसा बना लिया है तो अब हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। तो देखिए रसा अब अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें अंडे डालेंगे हम। तो अंडे को हम इस तरीके से फोड़कर एक एक साइड में डालेंगे, दूसरे अंडे को यहाँ पर डालेंगे। इस तरीके से हम 4 अंडे लिए हैं हमने, 4 अंडे डाल देंगे। तो देखिए हमने 4 अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे ताकि अंडे अच्छे से पक जाए। अब हम ढक्कन हटाकर देख लेंगे। अंडे को हमने बिल्कुल भी हिलाया नहीं था चम्मच से। तो देखिए अभी हम बिल्कुल आराम से इसे देख लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं अंडे हमारे पककर। ये बिल्कुल अब पक चुके हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम रसा डालेंगे ताकि ऊपर थोड़ा सा कच्चा रहे तो पक जाए जल्दी से। अब इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी ऊपर से। आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है। ऐसे ही ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी गरम मसाले के बिना। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी और सुंदर लग रही है सब्जी। कि हमारा यहाँ पर अंडा फोड़ के अंडा रस्सा बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है खाने में, बहुत अलग तरीके से हमने इसे बनाया है। तो आप भी इसे अपने घर पर इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए, और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। Thank you.